Realme GT Neo 6 जो आज ही लॉन्च हुआ है, ब्राइटेस्ट OLED डिस्प्ले, फ्लेक्सिबल ग्रेड प्रोसेसर, सुपरबिन डिजाइन, ह्यूज बैटरी, फास्ट चार्जिंग एंड मेनी मोर। दोस्तों आज मैं Realme GT Neo 6 का अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूँ। मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे हैं स्ट्रीट। और जैसे कि आपको बताया, लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले हमारी ही चैनल में देखने मिलते हैं। तो ऐसे लेटेस्ट न्यू अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला की वो देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर होल्ड कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन कर लीजिए। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स देखे तो यहाँ पे AI का ब्रांडिंग मिल जाता है, और बॉक्स कंटेंट देखे तो 120 वोल्ट का पावर एडेप्टर मिल जाएगा, बाकी तो रेगुलर एक्सेसरीज मिल जाएगी बॉक्स कंटेंट के अंदर। अब बात करते हैं Realme GT Neo 6 के डिज़ाइन की। तो ये लिक्विड नाइट कलर है, फ़ोन में वन पीस मिरर्ड सिल्वर बैक मिलता है, और बैक में ग्लोसी और फ्रोस्टेड कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बैक में अपर एंड लोअर पार्ट्स यूनिफॉर्म मिलता है। कैमरा मॉड्यूल का एरिया मिरर लाइक ग्लोसी मिल जाता है। वैसे ये मिरर का भी काम करता है, इसमें आप अपना हैंडसम फेस भी देख सकते हैं। कैमरा मॉड्यूल स्लाइटली रेज्ड मिलता है, लेकिन फ्लैश एरिया में बम्प नहीं मिलेगा, और दोनों फ्लैश सेम टाइम पे ग्लो कर सकती है, और फ्लैश में 4 लेवल का ब्राइटनेस एडजस्टमेंट भी मिल जाता है। राइट में वॉल्यूम ब्रोकर एंड पावर बटन मिल जाता है जो वर्टिकल बार शेप में मिलता है। टॉप में इंफ्रारेड रिमोट, सेकेंडरी स्पीकर और माइक्रोफोन मिल जाएगा। बॉटम में सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और बॉटम फायरिंग स्पीकर मिलता है। फोन का वेट करीब 191 ग्राम्स का है और थिकनेस 8.65 mm की मिल जाती है। फोन लाइट वेट है और ग्रिप भी अच्छी मिल जाती है, क्योंकि फोन का बैक एंड फ्रंट दोनों कवर्ड मिलते हैं, फोन को कंफर्टेबली होल्ड कर सकते हैं। फोन को फ्रेम एरिया से देखें तो काफी थीन देखने को मिलता है, लेकिन फोन की फ्रेम प्लास्टिक की मिल जाती है। इनफैक्ट फोन का बैक भी प्लास्टिक का मिलता है, लेकिन फोन का बैक लुक में ग्लास जैसा लगता है। आप यहाँ पे दूसरा कलर भी देख सकते हैं। आपको दोनों में से कौन सा कलर पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आई थिंक सिल्वर ज्यादा बेटर लगता है। इट्स रिलेटिवली सिंपल एंड टफ, क्योंकि सिल्वर कलर का आउटडोर में स्टनिंग व्यू मिलेगा। फोन में एक और कलर मिल जाता है पर्पल, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अब बात करते हैं Realme GT Neo 6 के स्क्रीन की। इस स्क्रीन को Realme और चाइनीज कंपनी BOE ने मिलकर कस्टमाइज किया है, इसलिए स्क्रीन में पीक ब्राइटनेस विदाउट ड्यूल स्क्रीन 6000 निट्स तक मिलती है। स्क्रीन में रेजोल्यूशन 1.5K का मिल जाता है और रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज की मिलती है, और स्क्रीन कर्व भी मिल जाती है। स्क्रीन में ब्राइटनेस टेस्ट देखते हैं। मैनुअल मैक्सिमम ब्राइटनेस 1030.4 नीट्स तक मिल जाती है, और ग्लोबल मैक्सिमम ब्राइटनेस 1693 नीट्स तक मिलती है। तो फोन अगर स्ट्रॉन्ग सनलाइट में भी है तो भी विजिबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी, आप यहाँ पे रिजल्ट देख ही सकते हैं। यानी जो आउटडोर में ज्यादा रहते हैं उसके लिए ये फोन बहुत ही अच्छा है। बाकी स्क्रीन में 80 LTPO टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, तो रिफ्रेश रेट एडेप्टिव मिलेगी, तो पावर कंजम्पशन भी कम होगा। बाकी स्क्रीन में लो ब्राइटनेस में 2160 हर्ट्ज का हाई फ्रीक्वेंसी PWM डिमिंग फीचर भी मिलता है, और फोन में ग्रीनफील्ड AI आई प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी का भी यूज हुआ है, यानी फटिक डिटेक्शन में स्मार्टर एक्टिव आई केयर AI का यूज होगा। और स्क्रीन में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, जो ज्यादातर फ्लेक्सिप फोन में ही मिलता है। इस प्राइस पॉइंट पे ज्यादातर फोन में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन ही मिलता है, लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिप ग्लास मिल जाता है। फोन में ड्रॉप रेजिस्टेंस में भी इम्प्रूवमेंट मिल जाता है, यहाँ पे ट्राई देख सकते हैं। तो वॉलनट आसानी से स्मैश हो जाता है, और फोन को टेबल पे ड्रॉप करने से भी कोई क्रैक देखने को नहीं मिलता है। तो फोन की क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाती है इस बार। और ये कर्व्ड स्क्रीन है तो साइड में स्वाइप करने का एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिलता है। ज्यादातर यूजर्स को फ्लैट स्क्रीन पसंद है, लेकिन मुझे स्लाइटली कर्व्ड स्क्रीन पसंद है, क्योंकि साइड से स्वाइप करने का एक्सपीरियंस बेहतर मिलता है। अब बात करते हैं Realme GT Neo 6 के परफॉर्मेंस की। फोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर मिल जाता है, जो कई सारे फोन्स में देखने को मिल रहा है। साथ में फोन में लार्ज एरिया हीट डिसिपेशन सिस्टम भी लगी है, करीब 10,000 स्क्वायर मिलीमीटर की VC हीट डिसिपेशन एरिया मिलता है। बाकी फोन में LPDDR5X RAM मिलती है और UFS 4.0 स्टोरेज मिल जाए, और फोन में मैक्स वेरियंट 16GB रैम 1TB स्टोरेज का मिलता है। एंटू टू रनिंग स्कोर देखे तो 1.66 मिलियन के ऊपर मिल जाता है, और गिगबेज 6 का सिंगल कोर का स्कोर 2000 पॉइंट्स मिलता है, और मल्टी कोर का 5236 पॉइंट्स तक मिल जाता है। तो फोन में परफॉर्मेंस तो फ्लेक्सिबल लेवल का ही मिलेगा। फोन में गेमिंग एक्सपीरियंस देखे तो किंग ऑफ ग्लोरी 120 FPS हाई फ्रेम रेट और हाई पिक्चर क्वालिटी में 30 मिनट्स खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 119.86 FPS तक मिल जाती है, जहां पे बैक का टेम्परेचर 40.5 डिग्री तक जाता है। पबजी मोबाइल 90 FPS हाई सेटिंग पे 30 मिनट्स खेलने के बाद एवरेज फ्रेम रेट 89.84 FPS तक मिल जाती है, और हैवी गेम
Genshin Impact 30 मिनट 60 FPS हायर सेटिंग पे खेलने के बाद जब डिफॉल्ट रिजोल्यूशन 720p का है वहाँ पे एवरेज फ्रेम रेट 59.2 FPS तक मिल जाती है और बैक का टेम्परेचर करीब 47.8 डिग्री तक जाता है जो थोड़ा ज्यादा है, लेकिन GT Neo 6 में आप Genshin Impact 1.5 के रिजोल्यूशन पे भी खेल सकते हैं। यहाँ पे अल्ट्रा हाई क्वालिटी को टर्न ऑन कर देते हैं तो आप यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी का डिफरेंस देख सकते हैं, इमेज क्वालिटी काफी इम्प्रूव मिल जाती है। लेकिन इतनी हाई रिजोल्यूशन में हेवी गेम खेलने है तो कूलिंग क्लिप का जरूर से यूज करें तो परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग मिलेगा और फोन में इस कूलिंग क्लिप को अटैच कर दे ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगी, मैन्युअली कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि AI का फीचर से कंबसन मोड में ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है तो गेमिंग में परफॉर्मेंस अल्टीमेट मिलेगा। वैसे Realme GT Neo 6 के साथ Buds Air 6 को भी लॉन्च किया है जो LHTC 5.0 हाई डेफिनेशन ट्रांसमिशन फीचर्स के साथ आते हैं और इससे 55 ms तक वेरी लो लेटेंसी मिल जाती है, साथ में 50 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का फीचर भी मिलता है, 40 आवर्स लॉन्ग बैटरी लाइफ भी मिल जाती है तो गेमिंग और मूवीज देखने में अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब फोन में नेविगेशन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 पे चलने वाला एक लौता फोन है जो ड्यूल फ्रीक्वेंसी GPS को सपोर्ट करता है। इस सॉफ्टवेयर में सैटेलाइट का डिटेक्शन देख सकते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ सैटेलाइट्स काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब दूसरे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 वाले फोन्स के साथ GPS की कंपैरिजन देख सकते हैं तो इस सैंपल में अगर रोड का मैप देखे तो एक्यूरेट मिल जाता है, बाकी राइट में देख सकते हैं एक्यूरेट मैप नहीं मिलता है तो यहाँ पे सिंगल बैंड GPS में रूट ओवरलैप हो जाता है, ड्यूल बैंड GPS पे डेफिनेटली मोर एक्यूरेट लोकेशन मिलेगा। Realme GT Neo 6 में बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो 5500 mAh की यूज बैटरी मिल जाती है और बैटरी को चार्ज करने के लिए 120 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है और फोन में बैटरी चार्जिंग टेस्ट देखे तो 10 मिनट्स में 51% तक बैटरी चार्ज हो जाती है और 25 मिनट्स में बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। Realme GT Neo 6 में कैमरा की बात करें तो रियर फेसिंग ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है जहां पे मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का सोनी LYT 600 सेंसर मिलता है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइजेशन को सपोर्ट के साथ आता है और सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल का सोनी IMX355 अल्ट्रा वाइड सेंसर मिल जाता है। आप मेन कैमरा के फोटोज देख सकते हैं, सेंसर साइज 1x1.95 इंच की मिलती है लेकिन फोटोज में ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा मिलता है, नाइट में भी फोटोज अच्छे मिल जाते हैं और नॉइस लेवल भी कम मिलता है और ये अल्ट्रा वाइड एंगल की फोटोज देख सकते हैं, फोटोज डे टू डे यूज के लिए काफी अच्छी मिल जाती है। फोन में बाकी के फीचर्स की बात करें तो NFC सपोर्ट, IP65 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग भी मिलती है, एक्स एक्सिस लीनियर मोटर भी मिलती है, ड्यूल स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और इंफ्रारेड रिमोट भी मिलता है। Realme GT Neo 6 की प्राइस की बात करें तो बेस वेरिएंट की प्राइस चाइना में 2099 चाइनीज युआन से स्टार्ट होती है जो इंडियन रुपीस में 24,740 तक होती है। कंक्लूजन पे आए तो फोन में डिस्प्ले सुपर ब्राइट मिलती है, ड्यूल GPS सपोर्ट भी मिलता है, 120 वॉट्स का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है और गेमिंग में भी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग मिल जाता है। मेरे हिसाब से दूसरे स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 प्रोसेसर वाले फोन के कंपेयर में Realme GT Neo 6 बेस्ट है। दोस्तों आप क्या सोचते हैं Realme GT Neo 6 के बारे में, कौन सा फीचर आपको अच्छा लगा और कौन सी प्राइस में इंडिया में लॉन्च होना चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज और अगला गिव अवे सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूले और लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।